सुल्तान उल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद। एडमिशंस आर इन प्रोग्रेस फॉर एमपीसी बाईपीसी सीईसी एमईसी एमसेट एंड नीट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सुल्तान उल उलूम एजुकेशन सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2005। अफोर्डेबल फीस, स्पेशियस क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइजीनिक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। सुल्तान उल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए 12 जून की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का 13 जून को दौरा चीन। चीनी वजारत खारजा ने कहा, सदर अब्बास चीनी अवाम के पुराने और अच्छे दोस्त। मजीद कहा, अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन की हैसियत से चीन आलमी बरादरी के साथ मसला फ़लस्तीन का चाहता है मुस्तकिल हल। इसराइल में बढ़ते जा रहे हैं मुनज़्ज़म जराइम। इसके साथ ही जराइम के खिलाफ नाकामी पर इंतहा पसंद इसराइली मिनिस्टर एतमिन बिन गविर की बरतरफी का मुतालबा भी शिद्दत करता जा रहा इख्तियार। सहयोनी रियासत में मुनज़्ज़म जराइम का निशाना बनने वालों की तदाद गुज़िश्ता बर्स के मुकाबले में हुई दुगनी। पाकिस्तान में पहले से ही जारी सियासी व माशी बहरान के दरमियान अब आवाम पर मौसम की मार। भारी बारिश ने मुल्क में मचाई तबाही। सूबे खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश और तेज़ हवाओं के सबब महलुकीन की तदाद पहुँची 34, जबकि 100 से ज्यादा अफराद हुए जख्मी। गुजरात में बिपर जॉय तूफान का नजर आने लगा असर। समंदरी तूफान बिपर जॉय के हवाले से महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की गई संगीन वार्निंग। तेज हवाओं के बायस समंदरी किनारे वाक़े कई दुकानें मुनादम। गुजरात हुकूमत ने साहिलों को कर दिया बंद। अभी और संगीन शक्ल इख्तियार करेगा तूफान। गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली के प्रगति मैदान में बैनुल क़ौमी नुमाइश और कन्वेंशन सेंटर में पहली नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का पीएम मोदी ने किया इफ्तिताह। मुनाक़िदा तकरीब से क्या खिताब, कहा हुकूमत के पास कभी भी बासलाहियत ओहदेदारों की कमी नहीं रही। सरकारी निज़ाम पर लोगों का एतमाद बढ़ाना तमाम मुलाज़मीन की जिम्मेदारी। गुज़िश्ता दो दिन पहले मोदी हुकूमत की मिनिस्टर स्मृति ईरानी से सवाल पूछने वाले सहाफ़ी की चले गई नौकरी। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर की तनकीद, कहा स्मृति ईरानी ने सवाल पूछने वाले सहाफ़ी की खा गई नौकरी। ट्वीट किया, सहाफ़ी ने स्मृति से सवाल करने का गुनाह किया, नौकरी खत्म, इतनी नफरत क्यों। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बरेली से गोशामी जाने वाली एक बस के रुकने के दौरान नमाज पढ़ने की वीडियो हुई थी वायरल। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को मुलाजमत से कर दिया गया बर्खास्त। असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द अमल, कहा अगर नमाज पढ़ना जुर्म है तो तमाम सरकारी दफातर में किसी का भी मजहबी निशान नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में तैनात फौजी जवान ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए लगाए संगीन इल्ज़ाम। दावा किया, तमिलनाडु के तिरुनमलाई में 120 लोगों ने मेरी बीवी को नीम अरिया करके पीटा, दुकान को कर दिया बर्बाद। फौजी जवान के इल्ज़ाम पर पुलिस ने कहा, बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है वाकया। आंध्र प्रदेश के मशरक़ी ज़िला गोदावरी में पीर की आला सुबह एक हाईवे पर पेश आया भयानक सड़क हादसा। एक कार हाईवे से गलत सिमत में मुड़कर सड़क के किनारे खड़ी लॉरी से टकरा गई। एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत, महलुकीन में 3 खवातीन और एक मासूम भी शामिल। कर्नाटक में शानदार कामयाबी के बाद अब कांग्रेस ने तेलंगाना पर अपनी तवज्जो कर दी मरकूज। रेवंत रेड्डी ने किया बड़ा ऐलान, पार्टी ने कर्नाटक की तर्ज पर 5 अहम वादों की बुनियाद पर चुनाव लड़ने की है तैयारी। तेलंगाना में कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर 17 सितंबर को होगा जारी। मुख्तलिफ तबकात के लिए अलहदा डिक्लेरेशन की हिकमत अमली। ये थी बीबीएन टॉप 10 न्यूज़ में 10 अहम खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।